गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कुमार फ्रॉम प्रहलाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चाहिराबाद से। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू द पैटर्न ऑफ द पेपर। हाई स्कूल एनुअल एग्जाम में या हफली एग्जाम में आपके पेपर का पैटर्न कैसा होगा, यू विल लर्न इन दिस वीडियो। स्टूडेंट, देयर आर टू सेक्शन इन योर पेपर। 15 minutes are allotted to candidate to read the paper properly. General instruction कुछ पेपर में दिए होते हैं। First instruction होगा आपका, this question paper is divided into two sections, section A and section B. General section में दूसरा होगा, all question for both section are compulsory. All question from both sections are compulsory. तीसरा instruction होगा, marks are indicated against each question. प्रत्येक question के सामने अंक हैं और उसके बाद दिया होगा, read the question carefully before answering them. प्रत्येक questions को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उत्तर देना है, क्योंकि 15 minutes are allowed to candidate to read the paper properly. Today I shall discuss about section A. आपका जो सेक्शन ए होगा वो आपकी टेक्स्ट बुक पर डिपेंड करता है। आपने प्रोज, पोइट्री और रीडर को कितनी अच्छी तरह लर्न किया, उसी के आधार पर यू कैन गेट गुड मार्क्स। सेक्शन ए आपका आता सबसे पहले प्रोज, यानी कि आपके कुछ लेसन दिए हैं, द एंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा, द सोक्रेटिस, इस प्रकार के आपके लेसन दिए हुए हैं। उन लेसन को आपको ठीक से पढ़ना है और उस पर पहला क्वेश्चन आएगा, रीड द पैसेज केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपके किसी भी टॉपिक से एंचेंटेड टूल, लेटर टू गॉड, द गंगा, द सोक्रेटिस, इसमें से आपका कोई सा एक टॉपिक होगा, उससे कोई पैराग्राफ दिया होगा और उस पर कुछ क्वेश्चन पुट अप किए गए होंगे। दो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2+2 4 मार्क्स के होंगे। आप पैसेज को, पैराग्राफ को केयरफुली रीडिंग करिए, उसके पश्चात जो आंसर पुट अप किए गए हैं, बेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग आंसर इन अबाउट 60 वर्ड। लगभग आपको 10-11 सेंटेंस इस लॉन्ग आंसर में लिखने हैं। प्रत्येक पार्ट की अगर आपने सभी ठीक से लर्न की है तो यू मे कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो 60 वर्ड का एक क्वेश्चन होगा, ऑलरेडी आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी 4 मार्क्स तभी मिल सकते हैं आपने प्रत्येक लेसन को ठीक से लर्न किया हो, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके वर्ड भी आपने ठीक से लर्न किया। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको इसमें 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यू हैव टू सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 आपको करने हैं और मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 × 2 और 8। 4 अंक के ये भी होंगे, लेकिन इन अबाउट आपको किसमें करना है 25 वर्ड्स, यानी कि 2 या 3 सेंटेंस आपको यू हैव टू राइट। इसके बाद आपका जो 4 क्वेश्चन आएगा आपका, वो 4 क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन वो तभी होगा जब आपने पूरे टॉपिक को लर्न किया है। मैच का वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद लिस्ट बी,
यानी कि आपको लिस्ट ए में कुछ पार्ट दिए होंगे और कुछ पार्ट लिस्ट ए में दिए होंगे, कुछ बी में दिए होंगे, अर्थात मैचिंग। मैचिंग का ये आपका वन प्लस वन मल्टीप्लाई फॉर मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। आपको सेम मीनिंग कभी कभी अपोजिट मीनिंग एक दूसरे लिस्ट से मैच करने होंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा या तो सेम मीनिंग का या अपोजिट मीनिंग यू हैव टू मैच। इसके बाद आपका चलता पोएट्री, पोएट्री जिसमें आपकी फोर पोएम होगी। फोर पोएम में क्योंकि 70% कोर्स आएगा, 30% लेस है, इसमें आप क्लास में ऐसे इसमें एक टॉपिक लेस है, इसमें एक पोएम लेस है। अब आपकी पोएट्री में सबसे पहले एक स्टंज आएगा, इस पर क्वेश्चन लिखे होंगे, स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन। इसी पॉइंट से कुछ लाइन दी होगी, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। पहले क्वेश्चन में आपका नेम पूछ लेता, टाइटल पोएम का नेम क्या है और कौन इसके पॉइंट है। ये आपका दो अंक का, और नीचे जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका रेमिंग वर्ड्स का होता, तुकान शब्द आपको उसमें फाइंड आउट करने, और ये भी आपका दो अंक का होगा। ये चार अंक का आपका क्वेश्चन स्टंजा बेस्ड होंगे। इसके बाद आपसे राइट फॉर लाइन एनी पोयम, इसी पोयम की आपको फोर लाइन लिखनी है या आपको सेंटर लाइन लिखना है। पोयम की जो फोर लाइन है वो पेपर से कॉपी ना हो, पेपर में जो लाइन आ रही है स्टंजा पे उनको आपको नहीं लिखना, उससे अलग की लाइन लिखना है। राइट फॉर लाइन या सेंट्रल आइडिया ये आपको कंप्लीट करना है। ये भी आपका एग्जाम में चार या पांच नंबर का आ जाता, और लास्ट ईयर ये आपका 3 मार्क्स का आया हुआ। तो आपकी जो पोएट्री हुई 7 अंक की हुई। इसके बाद आती है सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर में 70% कोर्स में इस बार आपकी 3 स्टोरी में से 2 स्टोरी है। पहली स्टोरी एडिशन से बिलोंग करती है, आपकी दूसरी स्टोरी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य से बिलोंग करती है, तीसरी स्टोरी द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज वाले 30% में लेस है। तो पहली स्टोरी और दूसरी स्टोरी से पहला क्वेश्चन कटा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन 2+2 मार्क के होंगे, ये भी 4 मार्क के होंगे, और इन अबाउट 25 वर्ड लिखेंगे। यू हैव टू कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन होगा ट्रू फॉल्स, आपको 4 ट्रू फॉल्स दिए होंगे, 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, आइदर दे मे बी ट्रू और फॉल्स, 1 × 4 मार्क्स के लिए आपके होंगे। आपने यदि स्टोरी को ठीक से लर्न किया है यू कैन गेट इक्वल मार्क्स। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव आपके 4 आएंगे और ये अल्टरनेटिव आपको 4 मार्क्स में होंगे, यू हैव टू कंप्लीट। इस प्रकार ये जो आपका पेपर होगा 12 मार्क्स का, आपकी रीड जो सप्लीमेंट्री रीडर है ये आएगी, पोएट्री आपको बता दी गई और प्रोज आपको बता दी गई, कुल मिलाकर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर 70 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन।
थैंक्स स्टूडेंट, लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल।